नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू से। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू को बचाने निकली प्रियंका गांधी, क्या अब वाकई आनन फानन में कई बड़े कदम उठा सकती है। हालांकि एक पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो है जो आरोप लगा वो सिद्ध साबित हुआ। कोर्ट ने 1 साल की सजा उन्हें सुनाई, लेकिन देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के हालात जो है वो जेल में फिलहाल ठीक दिखते नजर नहीं आ रहे। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में जो खाना दिया जा रहा वो पसंद नहीं आ रहा। नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर सही तरीके से जो सेफ्टी है या जो उन्हें चाहिए वो चीजें नहीं मिलती नजर आ रही है। तो जिस तरह की हालत नवजोत सिंह सिद्धू की है उससे सीधे तौर पर ये माना ही जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं बहुत बुरे फंस गए। दरअसल ये पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ पैसे भरे थे, उसके बाद वो सोच रहे थे रिहा हो गए हैं और उन्हें अब कोई जो है बड़ा उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से वो हिट एंड रन केस में दोबारा से कोर्ट में मामला जाता है और सिद्धू के खिलाफ जो है एक वारंट जारी होता है और सीधे तौर पर उन्हें सजा सुना दी जाती है। हालांकि सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू से पंगा लेकर जो है वो देखिए इस वक्त क्या आम आदमी पार्टी परेशान है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जहाँ अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर नहीं उगलते नवजोत सिंह सिद्धू, अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते नवजोत सिंह सिद्धू, तो शायद सोनिया गांधी कुछ बड़ा कदम उठा सकती थी। शायद सोनिया गांधी सिद्धू को छुड़वाने के लिए कुछ बड़ी रणनीति बना सकती थी। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं या मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब जो उम्मीद लगा रहे हैं अपने नेताओं से या अपने करीबियों से, वो उम्मीद कितनी पूरी हो पाएगी, खैर हम ये बात नहीं कह सकते, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, ये बात सोनिया, राहुल और प्रियंका भी जानते हैं। हालांकि एक बात करें पंजाब की, तो बनी बनाई पार्टी पूरी तरह से उजड़ गई। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, कैप्टन रहता तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। लेकिन वहीं अगर बात करें जब से मान मुख्यमंत्री बने तब से आए दिन वहां पर पंजाब में हालात खराब है। जी हाँ, कभी लगातार वहां प्रदर्शन होने लगता है तो कभी वहां पर जो है गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ होनी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल मान सरकार पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे। लेकिन फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू की बेचैनी और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो जिस तरह से जेल में पड़े हुए हैं या जिस तरह से उनकी हालत है, कितनी उनकी ये हालत किस तरह से रहती है, और फिलहाल देखा जा रहा है कि क्या वाकई एक बार फिर कुछ अर्जी डाल सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ताकि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू देखिए सरकार के खिलाफ भी लगातार बात कर रहे थे। जी हाँ, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे। पेट्रोल डीजल महंगाई, बेरोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे जो नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे थे, और शायद इसका खामियाजा भी नवजोत सिंह सिद्धू को उठाना पड़ा। दरअसल देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी के खिलाफ जहर उगलना, बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करना भी भारी पड़ गया। तो यहाँ पर अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि बीच में खबर ये भी देखने को मिली थी कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी से अलग हो सकते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने कर ली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी में दाल गल नहीं पाई। तो ये देखा जा रहा कि फिलहाल कांग्रेस में बने हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और आगे जब जेल से रिहा होते हैं क्या कांग्रेस के साथ ही नई पारी रखेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।